इस वीडियो में देखेंगे कि बैरल क्या होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम बैरल का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, जो एक सिलेंडर नुमा बनी होती है। जैसे इस हम फिगर में देखेंगे, ये हमारा बैरल होता है, ठीक। और जो इसके अंदर जो लगी है इसको हम स्क्रू बोलते हैं, ये हमारा स्क्रू हो गया, ठीक। ये पूरा को हम बैरल बोलते हैं। इसके ऊपर हीटर लगी होती है, ठीक। इस बैरल हम कहते किसे हैं इसको देखेंगे। बैरल एक सिलेंडर नुमा बनी होती आकार का होती है, जिसके ऊपर हम हीटर लगाकर मटेरियल के हिसाब से टेम्परेचर देकर उस मटेरियल को हम मेल्ट करते हैं, ताकि ये स्क्रू जो होती है, इस स्क्रू के द्वारा जो इसमें मेल्ट हुआ रहता है उस मटेरियल को हम आउटसाइड निकाल सकते हैं। इसलिए हम इसको हम बैरल को हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम यूज करते हैं, ठीक। ये हो गया, देखिए इसको हम बैरल बोलते हैं, ठीक। जो इसके ऊपर लगी रहती है इसको बैरल बोलते हैं। ये हमारा स्क्रू हो गया। अच्छा, थोड़ा हम स्क्रू के बारे में देख लेते हैं कि स्क्रू होता क्या है। देखिए ये जो हम फिगर में देख रहे हैं, ये स्क्रू का पिक्चर है, ठीक। यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं। इसका पूरी लेंथ कितनी है तो उसको हम एल से डायरेक्शन देते हैं कि इसको हम एल से, यानी कि लेंथ, यहाँ तक की दूरी को हम लेंथ बोलते हैं, ठीक। और देखिए, ठीक। और जो मेजर स्क्रू डायमीटर, अगर हमको मान लीजिए डायमीटर स्क्रू का निकालना, मेजर मतलब अधिक और माइनर मतलब कम, तो मेजर डायमीटर निकालने के लिए हम इस स्क्रू का जो होता है इसकी डायमीटर कितनी होती है, तो इसको हम के द्वारा हम मेजर स्क्रू डायमीटर, यानी स्क्रू का जो मेजर डायमीटर होता है उसको हम लेते हैं, जो हम डी से प्रेजेंटेड करते हैं, ठीक। और देखिए, और हम देखते हैं इसके नोजल का। देखिए ये हमारा स्क्रू का जो आगे का होता है उसको हम प्लंजर के नाम से जानते हैं, जो आगे हमारा चेक वाल्व, यानी कि इसको वाल्व, चेक वाल्व के नाम से जानते हैं, जिसको हम NRB भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, उसको नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो हम स्क्रू के बारे में देखें, ठीक। अब देखिए जो स्क्रू था उसके ही हम इसके अंडरकट क्या होते हैं, पीक क्या होती है उसको देखते हैं, देखिए, ठीक। इसके जो जैसे जो एक कट होता है ना इधर से और इधर तक का, जैसे मान लीजिए हमारा स्क्रू हो गया, इसके अंदर का जो एक कट है, इसके डिस्टेंस जो होती है ना उसको हम अंडरकट बोलते हैं, ठीक, अंडरकट के नाम से जानते हैं। अच्छा, और पीक क्या होता है, पीक मतलब मैक्सिमम, पीक वैल्यू क्या है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वही इसकी पीक, यानी कि देखिए पीक इससे और इसके का जो उठा होता है, जैसे जो गड्ढा रहेगा और जो उठा रहेगा इसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू, और जो नीचे वाला था उसको नहीं बोलते, उसके जो ऊपर की तरफ रहती है स्क्रू का उसको हम पीक के नाम से जानते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या देखें, इस वीडियो में हम देखें कि बैरल क्या होती है, स्क्रू क्या होते हैं हम, और स्क्रू को कैसे यूज करते हैं। स्क्रू को हम नॉर्मली बैरल के अंदर रख के उसको रोटेट कराते हैं, जिसके द्वारा जो मटेरियल हम रखते हैं उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, ठीक। और NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व इसलिए लगाते हैं जैसे कि जो हमारा मटेरियल ये लेके आएगा, ठीक, तो यहाँ से फिर वो वापस नहीं जाएगा, उसी को हम नॉन रिटर्न वाल्व यानी कि NRV बोलते हैं। ओके।